नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कहते हैं हुस्न, हसीना और चाइनीज सामान कभी टिकता नहीं है, आप इनके पीछे भागते रहो और एक दिन ये आपको धोखा ही देंगे। इन सब के चक्कर में फंसकर कईयों की जिंदगी बर्बाद हुई है तो कईयों के पैसे, और शायद ये बात अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को भी जल्द ही समझ में आ जाए। ओली ने तो वैसे ही चाइना से दोस्ती करके ओखल में सर दे दिया था। एक तरफ हाओयांगकी से उनकी दोस्ती और दूसरी तरफ भारत से बगावत, ये दोनों ही अब ओली को ले डूबी है। ऐसा लोग कहते हैं कि भारत से पंगा लेने के बाद ही केपी ओली लाल गुड़िया के चक्कर में सब कुछ भुला बैठे थे, भारत से फालतू ही मुंह फुला कर बैठ गए और उधर नेपाल में ही उल्टे सुलटे फैसले लेने लग गए। वो भूल गए कि वो नेपाल के राजा नहीं हैं, उन्हें जनता ने चुना है, और जो नेता कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी जनता को भुला बैठे, जनता भी उनके साथ ऐसा ही सलूक करती है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन जारी है और केपी ओली को सत्ता से हटाने की मांग भी चल रही है। अब नेपाल में प्रचंड की सरकार आ सकती है और इस बात का अंदेशा हाओयांगकी को भी है, इसलिए अब यह हसीना प्रचंड को अपने बोतल में उतारने में जुट चुकी है। अब उनकी मुलाकातें प्रचंड के साथ होती है और ओली से नहीं। कहीं अब ओली की हालत तेरे नाम वाले राधे भैया की तरह ना हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि जिसके कहने पर वो दहाड़ते थे उसने अब बेवफाई कर ली है। दरअसल अब चीनी राजदूत हाओयांगकी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड को मनाने में लग गई है। अब इन दोनों के बीच कौन सा पुष्प प्रचंड होता है ये तो देखने वाली बात होगी, पर नेपाल की राजनीति में हाओयांगकी इन दिनों बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। सिर्फ प्रचंड से ही नहीं, ये चाइनीज गुड़िया नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मिल रही है। पुष्प कमल दहल के करीबी सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक चली और इसमें नेपाल के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। यहाँ पे आपको बता दें कि नेपाल में इन दिनों लोकतंत्र बड़े ही नाजुक स्थिति में है। जनता का गुस्सा, पार्टी की बेरुखी और भारत से नाराजगी, इन सब ने ओली की बोली बंद कर दी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेपाल में बदलते हालात के पीछे भारत पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहा है। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी नेपाल के दौरे पर जा चुके हैं। इस दौरे पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी, मतलब चीन का दौरा और हमारा दौरा साजिश, इसी बात से चीन के पेट में दर्द हो रहा है। चीन को इस बात का डर है कि अगर ओली की सरकार गिर गई तो उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा, मतलब उन्होंने जो उपज अभी तक तैयार की थी वो कटने से पहले ही बेकार हो जाएगी। इसलिए हाओयांगकी फिर से अपने जाल में नेपाल के नेताओं को फंसाने में लग चुकी है। इस मीटिंग के बारे में प्रचंड के करीबी नेता विष्णु रिजल ने ट्वीट करके कहा कि इस बैठक में द्विपक्षीय चिंता के मुद्दों पर बातचीत हुई। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के बाद मध्यावधि चुनाव में उतरने के फैसले से चीन को चिंता में डाल दिया है। इसका कारण यही है कि अभी तक चीन ओली के कंधों पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बना रहा था और अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है और चुनाव से पहले ही टूट सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूटती है तो नेपाली कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। नेपाली कांग्रेस लंबे समय से भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने का समर्थन करती रही है। वहीं ओली की बुद्धि चीन ने भ्रष्ट कर दी थी। नेपाली सरकार के कामकाज को भी चीन ने हैक कर रखा था। सूत्रों की माने तो नेपाल ने चीन के कहने पर ही देश का नया नक्शा भी जारी किया था। चीन नेपाल में लगातार अपना निवेश बढ़ा रहा है और यह अब भारत से 5 गुना हो चुका है। ऐसे में अगर ओली सरकार गिरती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं चीन को ही होगा, और देखने वाली बात यह भी होगी कि प्रचंड की भारत से दोस्ती चीन को कितना नुकसान पहुंचाती है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।